अच्छा तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साबूदाना खीर बन गई। ये मैंने बरेरा को 5 मंथ से स्टार्ट करवाई थी, लेकिन विंटर्स था तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप विंटर्स में ना दे बरेरा को, तो उस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन वो कन्फ्यूज़न मेरा दूर हो गया। विंटर्स में भी देनी चाहिए, ठीक है। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा था कि आप विंटर्स में दे सकते हैं लेकिन एक टाइम, लेकिन समर्स में आप 2 टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैं बरेरा को जस्ट कभी रात के टाइम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज आप लोगों को मैं बनाऊंगी, बनाना सिखाऊंगी साबूदाना की खीर, जिसके लिए हमें सिर्फ चाहिए साबूदाना, ठीक है, 1/2 कप। उसके बाद हमें चाहिए गुड़, उसके बाद फिर 1 गिलास दूध का, और उसके बाद हमें चाहिए दालचीनी के 2 से 4 टुकड़े, ठीक है। उसके बाद हम मैं पैन रखूँगी, इस पर आप बनाना सिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा, साबूदाना के लिए हमें 1 कप गिलास का चाहिए, ठीक है। मेरी भाभी हेल्प करवा रही है मेरे साथ, थैंक यू भाभी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें चाहिए 1 गिलास पानी का और एक पैन इधर का, ठीक है। हम इसमें 1 गिलास डालेंगे पानी का, लो फ्लेम के साथ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, तो साबूदाना के लिए ये हेल्पर ने बिल्कुल सही से साफ़ नहीं किया आज, क्योंकि आज अम्मी उसे ना अब खुद सफाई करवा दी है, लेकिन आज वो खड़ी नहीं थी अम्मी, तो वो जैसे तैसे साफ़ करके चली गई, तो इसको इग्नोर करेगा। तो मैंने 1 फुल गिलास पानी का डाला, उसके बाद मैं डालूँगी साबूदाना 1 कप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद हमें नीड पड़ेगी गुड़ की, देन हमें 3 से 4 हमें चाहिए होंगी सर्स इलायची, ठीक है। और इसको करेंगे साइड में, ये साबूदाना का पैकेट मैं मिल जाए कभी यूज़ करती हूँ, मम्मी के घर आई हुई थी इसलिए मैं अपने साथ लेकर आई। और 1/2 कप के लिए साबूदाने के लिए हमें 1 फुल गिलास चाहिए होता है दूध का, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मैं उठाऊंगी बाउल, वो इसलिए क्योंकि साबूदाना को वॉश करना मस्ट, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी स्टेप नहीं भूलना है। उसके बाद 1 से 2 दफ़ा मैं करूंगी साबूदाना को इसमें वॉश। एंड अच्छा, उससे पहले हम एक स्टेप करेंगे, बाउल जो मैंने उठाया उसमें हम करेंगे साबूदाना को वॉश 1 से 2 मरतबा, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को वॉश करने हैं साबूदाना, ठीक है। आप देखेंगे कि इनको बहुत अच्छे से मैं वॉश, अभी मेरे हाथ में मोबाइल था इस वजह से मैं ना अच्छे से वॉश नहीं कर रही थी, तो मैंने मोबाइल रखे फिर मैंने दोबारा से अच्छे से वॉश किया। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो ये कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। अब पानी बॉईल हो गया, अब उसमें मुझे ये डालने हैं, और जब तक स्पून को हिलाते रहना है तब तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, ठीक है। मैं बरीरा का, आप थोड़ा सा इसको गाढ़ा भी कर सकते हो, लेकिन बरीरा के हिसाब से ना पतला ही बनाती हूँ, ठीक है, तो ताकि वो इजीली खा भी सके। और आपने शुगर इसमें ऐड करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बच्चों के लिए शुगर आप लोगों को नहीं डालनी चाहिए, गुड़ ही डालना चाहिए, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह इजीली मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साबूदाना खीर बन गई। ये मैंने बरेरा को 5 मंथ से स्टार्ट करवाई थी, लेकिन विंटर्स था तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप विंटर्स में ना दे बरेरा को, तो उस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन वो कन्फ्यूज़न मेरा दूर हो गया। विंटर्स में भी देनी चाहिए, ठीक है। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा था कि आप विंटर्स में दे सकते हैं लेकिन एक टाइम, लेकिन समर्स में आप 2 टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैं बरेरा को जस्ट कभी रात के टाइम देती हूँ, समर्स में भी 1 ही टाइम देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा जो दूध है वो बिल्कुल पक चुका है, तो इसके बाद हम जस्ट 1 स्पून, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, इतना छोटा सा स्पून शुगर गुड़ का डालना है, ठीक है। शुगर आपने ऐड नहीं करनी, पिसा हुआ गुड़ आपने डालना है। उसके बाद इलायची डालनी है, ताकि बच्चे को पेट में दर्द, कब्ज़ का मसला, कोई भी पेट वाला जो भी मसला होता है वो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये 2 काफ़ी है सब इलायची के दाने, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होगी, आप बना के बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा अगर जिसके बच्चे को ये पसंद आ जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं साथ में वीडियो भी बना लूँगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। तो जैसे ये ठंडी होगी तो मैं बरेरा को सर्व करूँगी, अगर बच्चा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन होती है तो बच्चे को सारा मतलब भूख वगैरह नहीं लगती, क्योंकि 7-6 मंथ के बाद बच्चे जो हैं वो फीड बिल्कुल सही से नहीं ले पाते, इसलिए हमें
उनको डायरेक्ट इन चीज़ों पे लाना चाहिए।